तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद में कथित तौर पर जानवर की चर्बी की मिलावट को लेकर देश भर के संतों में रोष है, तो वहीं कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने भी इस पूरे मामले को लेकर विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि जो भी बातें सामने आ रही वह दुखद है, आत्मा का वध करने जैसा है। आजाद देश में कोई सनातनियों की भावना से इतना बड़ा खिलवाड़ कर सकता है, वो भी सनातनियों के देश में, ये समझ से परे बात है। उन्होंने भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दें। देवकी नंदन ठाकुर ने कहा, तिरुपति बालाजी के प्रसाद में जिस तरीके की मिलावट की बातें हम लोगों को सुनाई पड़ रही है, ये बहुत दुखद है, आत्मा का वध करने जैसा है। आजाद देश में कोई सनातियों की भावना से इतना बड़ा खिलवाड़ कर सकता है, और वह भी प्रादेशिक सरकार के संरक्षण में या उसकी देखरेख में, जो भी, वो मेरी समझ से परे है। हमारे संविधान में ये कहा गया है कि सब लोग अपनी पूजा पद्धति अपने अपने अनुसार करेंगे, लेकिन क्या संविधान में ये अनुमति है कि हमारी पूजा पद्धति पर अधिकार प्रादेशिक सरकार का होगा, या उस पर कमेटी बनाकर रखी जाएगी, अथवा उसमें मिलावट होगी, उसमें भी कुछ ऐसी चीज मिला दी जाएगी जिससे सनातनियों का धर्म बर्बाद हो जाएगा। देवकी नंदन ठाकुर ने आगे कहा, तिरुपति बालाजी में पवित्रता का ध्यान रखा जाता है और हम सब ये जानते हैं, लेकिन जिस तरीके से न्यूज आ रही है वो ठीक नहीं। अगर ये सच है तो निश्चित तौर पर हम सब सनातनियों के साथ बहुत बड़ा आघात हो रहा है। दूसरी बात, हम सब सनातनियों को बार बार कहा जाता है कि शांति रखें, तो आप बताइए, जूस में मिल रहा है मूत्र, भोजन में मिल रहा है थूक, और प्रसाद में मिल रही है मिलावट जो कि मांस इत्यादि से संबंधित है, क्या करें? क्या सनातनी को इसके बावजूद भी चुप होना चाहिए? उन्होंने आगे कहा कि अगर ये सब सच है तो इसके पीछे कौन व्यक्ति है, पहले तो यह पता किया जाना चाहिए, फिर उस व्यक्ति के विरुद्ध इतनी कठोर कार्रवाई हो कि दोबारा किसी का साहस ना हो सके। ये मैं भारत सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन करूंगा कि अगर आप भी संविधान के तहत हैं, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस पर गहन जांच करके दोषियों को बहुत बड़ी सजा दी जाए, और इतनी बड़ी सजा कि उन्हें याद रहे। वहीं इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।